एंथ्रोपोलॉजी की आज इस क्लास में हम लोग राइस के जो प्रमुख कीड़े हैं जो हमारे कोर्स के सिलेबस में है, फिफ्थ ग्रेड समिति में AENT 5312 में, उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। उन कीड़ों का आइडेंटिफिकेशन, उनकी छठी प्रकृति, नेचर ऑफ डैमेज, उनकी लाइफ साइकिल और साथ साथ उनका मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो राइस जो है अपने को सबको पता है कि एक हमारे यहाँ की प्रमुख फसल है छत्तीसगढ़ की, और हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो धान का कटोरा कहलाता है, इसी धान की फसल के कारण। तो इसमें कई प्रकार के जो पेस्ट हैं, पेस्ट अर्थात डिजीजे लगती हैं, वीड्स लगती हैं, उसके साथ साथ इंसेक्ट भी लगता है, और इस इंसेक्ट के जरिए इस फसल को 5% से लेकर के 30% तक जो है इसकी उपज में कमी इन इंसेक्ट के कारण से होती है। तो ये जो है हमारे प्रमुख पेस्ट हैं राइस के, जो कि हमारे कोर्स के तहत आते हैं। स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर, गालमीट राइस स्टेम बोरर का फैंसी नेम सिकोफेगा इंसेक्ट प्लस, ये पायरेलिडी लेप्डोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। गालमीट या गाल फ्लाई बोलते हैं इसको, और फ्रियोलिया ओराइडी जो डिप्टेरा सिजोमाइडी के तहत आता है ना, ऑर्डर लेप्डोप्टेरा फैमिली पायरेलिडी, लीफ होल्डर मैफिलोप्रोसिस मेरिनरी, ऑर्डर लेप्डोप्टेरा फैमिली पायरेलिडी। राइस पुष्पा डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, ऑर्डर कोल्योप्टेरा फैमिली ट्राइफैमिलिडी। राइस थ्रिप्स स्टेनोथ्रिप्स बाई फॉर्मिस ट्राइफैमिलिडी, ऑर्डर सिड्डी फैमिली। ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटेटिक्स दो स्पीशीज है, नाइग्रोपिस्टस एंड नाइग्रो नेफ्रोटिक वायरसेस है, ये होमोफेरा सिकाडेरेबी में आता है। तो जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कि लिस्ट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, तो लिस्ट का अर्थात यही होता है कि हम जितने भी राइस पेस्ट लगते हैं, जो मेजर पेस्ट हैं, उनका नाम लिखें, उनका साइंटिफिक नेम और फैमिली और ऑर्डर लिखें। इस तरीके से जो है किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग राइस स्टेम बोरर, धान का तना छेदक कीट, जिसका एंटिक नेम है सिल्वोफेगा इंटरकुलस, यह आता है लेप्डोप्टेरा ऑर्डर और फैमिली है पायरेलिडी। तो ये बेसिकली दो प्रकार से कॉज करता है ना, मतलब जब सिल्विंग स्टेज रहती है, जब वेजिटेटिंग फेज रहती है धान की, उस समय में ये जो कॉज करता है स्टेम बोरर, तब डेड हर्ड का निर्माण होता है, और जब बालियां आ जाती हैं उस समय में वाइट हेड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से राइस स्टेम बोरर थ्रू आउट द राइस है ना, राइस की फसल की नर्सरी अवस्था से लेकर के लास्ट है ना, लास्ट बिफोर हार्वेस्टिंग तक जो है ये राइस स्टेम बोरर मिलता है। तो जो वेजिटेटिव अवस्था में सिम्टम्स बने उसको बोलेंगे डेड हेड, और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में धान की जो प्रजनक अवस्था है उसमें जो सिम्टम्स बनेंगे उसको बोलेंगे वाइट हेड है ना। तो वाइट हेड और डेड हेड, इसमें क्या करता है इंसेक्ट, जो किलर्स होते हैं उस किलर्स को नीचे की तरफ से जहाँ से धूप निकलती है वहां से किलर्स को क्या कर देता है, काट देता है ना। काट देने के कारण से उस किलर्स में है क्या होता है, पानी और न्यूट्रिशन है ना, फर्टिलाइजर्स जो अपन यूरिया वगैरह डालते हैं, तो उसके जरिए जो पोषण मिलता है पौधे को, पोषण वो पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से जो कंसा है वो सूख जाता है ना, और वो जो कंसा सूखता है उसी को बोला जाता है, अगर वेजिटेटिव फेज में है तो डेड हेड बोलेंगे, अगर वही सूखा हुआ कंसा रिप्रोडक्टिव फेज में है अर्थात बाली की अवस्था में है तो उसको बोलेंगे वाइट हेड। ठीक है, और जब जब वाइट हेड का खासकर अगर ज्यादा संख्या है तो उस समय में बहुत ज्यादा यील्ड लॉसेस होती है, और स्टेम बोरर का ओवरऑल अगर अटैक है तो इसमें आपको धान की बालियां दिखाई तो देती हैं, लेकिन धान की बालियों में आपका दाने दाने जो होते हैं ना उसमें भरते नहीं है, तो वो पोचा पोचा रहता है ना, पोचा रहेगा। ये देखिए ये जो है डेड हेड की स्टेज है, ये आपका देखिए ये जितने जो बने हैं इसको बोलते हैं आपका डेड हेड, ये ऐसा चाबुक के जैसा है, चाबुक जैसा होता है ना घोड़े को मारने के लिए जो चाबुक होता है, उसके चाबुक के जैसा जो है ये कंथा हो जाता है, इसको बोला जाता है आपका
क्या बोलते हैं डेड हेड अवस्था, और जब आप इस संशय को खींचेंगे तो बहुत आसानी से ना क्यों खींच जाता है, क्योंकि तो जड़ के पास से संशय को खींचे रहे हैं, उसकी इल्ली ने लाइफ सिस्टम वर्ग की इल्ली ने काट दिया है, काटने का जब उसे खींचते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। वैसी अवस्था ये डेड व्हाइट ईयर हेड या व्हाइट हेड बोलते हैं इसको भी, है ना। ये देखिए पूरा जाना ये हरा है और ये व्हाइट ईयर हेड होने के कारण से ये सफेद हो गया। तो धान में व्हाइट ईयर हेड जब इसको भी आप खींचेंगे, है ना, व्हाइट ईयर हेड को, तो ये भी आसानी से खींचा चला जाए। तो इस प्रकार से दो अवस्थाएं होती है इसका जो नेचर ऑफ डेमेज होता है, इस तरीके से दो अवस्थाओं में होता है। ये देखिए ये इसकी इली है, ये जड़ के पास का है, जब आप इसके कंचे को खोल करके देखेंगे तो ये इलिया, ये देखिए दिखाई, ये राइट सिस्टम बॉर्डर की भी इली है, ये डैमेज पिलर है ना, ये व्हाइट ईयर हेड है, ये डेड हेड वाला है, ये बेसिकली व्हाइट ईयर हेड है, ये कैसे चमक रहा है, ये भी व्हाइट ईयर हेड है। इसके अलावा जो ये चीज में दिख रहा है सब व्हाइट ईयर हेड है ना, ठीक है। यंग प्लांट्स मतलब जो बिफोर रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव स्टेज में डेड हेड चल जाएगा और पेनिकल स्टेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज में व्हाइट ईयर हेड, ठीक है। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है, लगभग आपको बताया क्रॉप में शुरू से लेकर आखिर तक रहता है। इसके जरिए ये लॉसेज लगभग 19% तक अर्ली प्लांटेड क्रॉप में रहता है। लेट प्लांटेड करेंगे तो ये यील्ड लॉसेज देख लीजिए 38-80% तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये स्टेम बोरर का ये अब इसकी लाइफ साइकिल एडल्ट जो होता है इसमें देखिए ये एडल्ट दिखाई दे रहा है, तो ये फीमेल और मेल है ना, ये कैसे दिखाई देता है, स्ट्रॉ कलर की है ना, जो पैडी स्ट्रॉ होता है ना धान का भूसा, उस कलर का ये दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके सेंटर पे अगर दो काले रंग के धब्बे हैं तो वो फीमेल हो गई, फीमेल आपका राइटिस मेंबर हो गया, और जिसके कॉर्नर पे ब्लैकिश रहेगा, सेंटर पे धब्बा नहीं रहेगा, कॉर्नर विंग्स विंग्स के कॉर्नर पे ब्लैकिश स्पॉट टाइप के मिलेंगे तो वो हो जाता है मेल। और सामान्यतः फीमेल जो होती है वो बल्जी होती है, बल्जी मतलब मोटी टाइप की होगी और छोटी होगी, और जो मेल होगा वो लंबा होगा, है ठीक है। और ये जो है विंग स्पान जो होता है इसका 20-30 mm का होता है, जबकि फीमेल का विंग स्पान जो होता है वो 24-36 mm होता है ना। और फीमेल के एब्डोमेन में ना छोटा सा देखेंगे आपको बालों का गुच्छा जैसा दिखाई देता है ना, जिसके जरिए ही अंडे को कवर करता है ना। और जो मेल का एब्डोमेन होता है वो सिलेंडर होता है ना, और इसमें जो है उसमें भी हेयर्स होते हैं, डॉर्सली हेयर्स होते हैं ना, और ये जो इसके जो होते हैं फीमेल में वो पूरे की ओर होते हैं ना, ठीक है। ये अंडे हैं, देखिए ये अंडे दिखाई दे रहे हैं, अंडे ऐसे नहीं दिखाई देते, ये क्या करता है जब कभी भी इसकी फीमेल पत्ती की कहाँ पे अंडे देती है, पत्ती की ऊपरी सतह पर, है ना, जो पत्ती होती है धान की पत्ती की ऊपरी सतह पर अंडे देती है। और ये अंडे देने के बाद जो है इंडिविजुअल एग्स जो होते हैं ये क्लस्टर में अंडे देती है, एक एक अंडा नहीं देती, और ये क्लस्टर में जो अंडे की संख्या होती है वो 50-60 से लेकर के 100-200-250 तक अंडे हो जाता है होते हैं। और जो इंडिविजुअल एग्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, ओवल शेप होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, है ना। और इसके ऊपर ये देखिए सब भूरे रंग की ना हेयर और बालों का गुच्छा, जो एब्डोमेन से जो आपका फीमेल होती है ना एक प्रकार का हेयर निकालती है बालों के गुच्छे को, इससे जो है उस अंडे को ढक देती है। तो इस प्रकार से अंडा जो होता है ये सब गुच्छे में होता है, इस तरीके का दिखाई देता है भूसे के रंग का। लार्वा जो होता है, लार्वा की जो बॉडी होती है वो येलो ग्रीन कलर की होती है ना, पीली और हरे रंग की होती है। हेड जो होता है ना उसका जो फुल ग्रोन लार्वा का हेड है वो भूरे रंग का होगा ना। लार्वा 6 इंस्टार्च से गुजर करके लगभग जो है आपका 20 mm लंबा तक हो जाता है ना। प्यूपा जो होता है वो प्यूपा कहाँ बनता है, लार्वा भी इनसाइड द टीलर होता है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से इनसाइड द टीलर, ये देखो ये टीलर दिख रहा है, टीलर के अंदर ही इसका प्यूपेशन भी होता है ना। और ये जो प्यूपा होता है वो पैल ग्रीन कलर का होता है और 12 mm लंबा और 3 mm चौड़ा होता है। और प्यूपा जो होता है वो व्हाइट सिल्कन कोकून में कवर्ड किया रहता है नहीं? और जो है बाद में ये भूरे रंग का हो जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट की बात आती है तो राइट सिस्टम वैरायटी है, कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज है जैसे रत्ना जया KKM6 IR20 है ना, साकेत PTB20, ये सब वैरायटी को लगाना चाहिए। और जो सीडलिंग की टिप होती है, जब हम कभी भी ट्रांसप्लांटिंग करने जाते हैं तो सीडलिंग की टिप ये ऊपर के पोर्शन को तोड़ करके अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो मादा है की, वो अपने अंडे, मैंने आपको बताया कि ऊपर पत्ती की ऊपरी सतहों पर ऊपरी पत्ती जोड़ देती है, तो जब उसको तोड़ दिया जाता है तो उसको
अंडे देने की जगह नहीं मिलती है, तो जिससे कि जो है अपने को क्या होता है कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ साथ अगर गुपचुप कभी एग मास्टिस है वहां पे, तो ऊपर की जो पत्ती आप तोड़ेंगे तो अपने आप जो है एग हम वहां से हट जाएंगे, तो कंट्रोल मिल जाएगा। क्लोज प्लांटिंग, पास पास जो है ना, जैसे 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर साइज की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, उसमें इतना ही ट्रांसप्लांटिंग करने से डिस्टेंस है। पास पास अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे और कंटिन्यूस वाटर अगर फील्ड में डूब जाएगा अर्ली स्टेज में, तो इसका अटैक बढ़ जाएगा। तो हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए है ना। डेड हेड्स और वाइट ईयर हेड्स जितना हम निकाल करके अलग कर सकते हैं कर लेना चाहिए है ना। लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, एक हेक्टेयर के लिए कम से कम एक लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, जिससे कि आपका मेल इंसेक्ट है उस लाइट ट्रैप की ओर मेल बढ़ा, मेल फीमेल दोनों एडल्ट इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और हम उसको खत्म कर सकते हैं। सेक्स फेरोमोन ट्रैप है ना, ठीक है। सेक्स फेरोमोन ट्रैप मॉनिटरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और मास ट्रैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए लगभग लगभग 8 ट्रैप है ना, 5 ट्रैप मिनिमम चाहिए हमको पर एकड़, और जो मास ट्रैपिंग के लिए 20 ट्रैप कम से कम जो है ना पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करेगा है ना। 5 ट्रैप पर जो है आपका 5 से 8 ट्रैप पर हेक्टेयर मॉनिटरिंग के लिए और लगभग 20 ट्रैप मास ट्रैपिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं है ना। एग पैरासिटाइट ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ये इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना। 30 to 37 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग है ना, हम इसको लगभग कम से कम 2 और अधिकतम 6 बार रिलीज कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग 50,000 से 1,00,000 अंडे प्रति रिलीज में इसके होने चाहिए है ना। बैसिलस थुरिंजियंसिस है ना, या नीम सीक करनाल का भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से, जिससे कि इसकी स्टैम्बोरोजी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और उसके बाद ग्रेन्युलर इंसेक्टिसाइड केमिकल का अगर इस्तेमाल करें तो कार्बोफ्यूरान 3G, ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसे। कार्बोफ्यूरान 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है ना। बेंटू कार्ब 3 ग्राम 33 किलोग्राम। फ्लोरांटी मिलीप्रोले है ना 0.4G, सिट्रोनील 0.3G, सटाफर्टोग्लाइड 4G। इस ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड को हम लोग रेत के साथ सैंड के साथ मिक्स करके भी हम लोग खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और स्प्रे में है कई सारे इंसेक्टिसाइड जो है, सटाफर्टोग्लाइड 50 SC, फिनाल क्रॉस 25 EC है ना, फ्लोरांटी मिलीप्रोले लोग 18.5% SC, इस तरीके से सिट्रोनील 5 SC इस्तेमाल करके हम लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पैस होता है गालमी, ऑस्ट्रेलिया ओराइजी, यह भी जो है आपका क्रॉप की अर्ली स्टेज में सामान्यता दिखाई देता है और ये फील्डिंग स्टेज होती है जब इस समय में ये इंसेक्ट दिखाई देता है। क्लाउडी और रेनी वेदर जब रहेंगे तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना। इट वॉज रिपोर्टेड टू कॉज 30 to 40% यील्ड लॉस एंड इवन इन सम केसेस इफ द इंफेक्शन ऑफ गालमी इज सीवियर तो 100% यील्ड लॉसेस में अकॉर्ड, मतलब आप समझिए 100% तक यील्ड लॉसेस हो जाती है अगर गालमी का इंफेक्शन क्रॉप पे है तो है ना। हाइडेंट जो होता है वो आपका मच्छर के जैसे दिखाई देता है ना, और उसकी जो फीमेल होती है ना उसको बोलते हैं आप, क्योंकि ये आपका डिप्टेरा ऑर्डर में आता है ना गालमी, तो इसलिए जो है उसकी जो फीमेल जो होती है नीज वो होती है आपका ब्राइट रेड है ना, इसका एब्डोमिन होता है, और मेल का जो एब्डोमिन है वो येलो ब्राउन रंग का, और इसका जो शरीर होती है वो येलो ब्राउन रंग की होती है ना। मेल इज छोटा होता है फीमेल की तुलना में है ना, इसका विंग स्पान जो है वो 3 से 3.5 मिलीमीटर तक होता है ना, जबकि फीमेल का जो है 3.5 से 4 mm तक होता है। दोनों एडल्ट है ना, और दोनों में कैसा है ये देखिए, एंटीना बीड लाइक एंटीना होता है ना, जो कि 10 सिग्नल से अधिक होता है, और इसकी इसको पोंगा कीट भी बोला जाता है। पोंगा का अर्थात होता है ये देखिए, अभी आपको इसके जो है ना ये देखिए, ये जैसा अगरबत्ती जैसे घर में आप लोग यूज करते हैं अगरबत्ती जैसा ना, ये पत्ती की जो तंसे को ना ऐसा कर अगरबत्ती जैसे बना देता है, तो ये पोंगा, इसीलिए इसको पोंगा कीट भी बोलते हैं। और इसमें जब ये इस तरीके का अटैक होता है गालमी का तो कम्प्लीट 100% लॉस होता है, इसमें किसी भी प्रकार के किलर्स नहीं बनते हैं ना। इसकी लाइफ साइकिल, इसकी जो अंडे होते हैं वो इलांगेटेड ट्यूबुलर टाइप के देखिए, लंबे और पतले है ना होते हैं, और जो नए एग हैं वो सफ़ेद से पिंक कलर के होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, कुछ पीले रंग के भी होते हैं ना, और हैचिंग के पहले अंबर कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। और जिनकी जो एग लेइंग होती है वो सिंगल एग लेइंग होती है, और ये जो एग लेइंग होती है वो
शायद जहाँ आपका पत्तियां निकलती है वहां पे बारी बारी हेयर होते हैं, उन हेयर पे ही अपने अंडे देता है। जबकि इसकी लार्वा या मैगट जो होता है ना, वो 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है ना, और ग्रे व्हाइट कलर का होता है। उसका जो प्यूपा है ना, प्यूपा लाइट पिंक कलर का होता है, जो कि 2 से 2.5 मिलीमीटर लंबा और 5 से 6.8 मिलीमीटर चौड़ा होता है ना, और एडल्ट इमर्जेंस से पहले ही लाल रंग का हो जाता है ना। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से है ना, ये जो पोंगा बना है, इस पोंगों के ऊपर से काट करके एडल्ट जो होता है वो, ये देखिए ये जैसे कटा है ना, ये काट करके अपना एडल्ट जो है वो बाहर हो जाता है ना। ठीक है, तो इसका नेचर ऑफ डैमेज ऐसे होता है कि जब इसकी ब्रीडिंग करता है तो ट्यूबुलर गाल, जो आपको होता है गाल जैसा फॉर्मेशन होता है उन पिलर के बेस पे है ना, और अफेक्टेड पिलर जो भी रहेंगे उसमें किसी भी प्रकार का पेनिकल नहीं बनेगा है ना। ये पेनिकल्स नहीं बनना मतलब कंप्लीट 100% का लॉसेस हो जाता है ना। ठीक है, इसी लो ओनियन लीफ या इसके जो सिम्टम्स होते हैं गालमिट के, उसको ओनियन लीफ या सिल्वर सूट कहा जाता है ना। जब आप धूप में देखेंगे तो वो सिल्वर के जैसे चमकता है, तो उसको सिल्वर सूट बोलते हैं ना। और ये सिल्वर सूट क्या है, एक प्रकार का हॉलो ट्यूब है ना। तीसरा इंसेक्ट है राइस लीफ होल्डर। तो जो अभी आपने इसका देखा, जो मैनेजमेंट राइस स्टेम बोरर से करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग जो है, क्योंकि अभी स्ट्रेन आता है तो वही ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन करके हम गाल्विक इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पेस्ट होता है राइस लीफ होल्डर नेफलोकोसिस मेडिनलिस, जो कि आता है आपका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है ना। तो ये बहुत ही आपका क्या कॉमन इंसेक्ट है ना राइस इकोसिस्टम से, और ये भी अर्ली स्टेज है ना, क्रॉप की अर्ली स्टेज पे ये करता है, इन्फेक्ट करता है ना। और अगर नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं तो हम जो भी प्रकार के पेस्ट हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है ना। ठीक है, इसके अंडे देखिए, ये अंडे जो न्यूली लैड एग जो होते हैं जेली लाइट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, और शेप जो होता है ऑबलॉन्ग शेप का, ऑबलॉन्ग शेप का होता है ना, और इसकी जो अपर साइड है वो इरेगुलर होती है ना। मैच्योर एग जो होता है वो अवाइट एंड व्हाइटिश येलो कलर का होता है, और ऊपर से जो है ना, सही नीचे की नीचे से ये फ्लैटेंड होता है, वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। लार्वा जो होता है आपका कैसा होता है, येलो रंग का होता है ना, और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है और ट्रांसपेरेंट रंग का इसका लार्वा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सामान्यतः हल्का सा हला पीला और हरे रंग का होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है ना। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये हेड ये जो है ना, वो ब्राउन हेड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो है आपका एक सबसे खासियत होती है, इसकी जो मुंह से सलाइवा निकालता है, सलाइवा से पत्तियों को ये क्या कर देता है, सील देता है ना, और सील करके उसके अंदर घुस करके लीफ को फोल्ड कर देता है, इसलिए इसका नाम लीफ फोल्डर कहा जाता है। इसका जो पीपा होता है वो देखिए लाइट ब्राउन कलर का होता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इसका पीपा जो है वो वेरी ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, और यह 9 से 12 मिलीमीटर लंबा होता है। जबकि इसका एडल्ट जो होता है, ये देखिए एडल्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनके शरीर के ऊपर ये जो धारियाँ दिखाई दे रही हैं ये होती है, और ये जो होता है स्ट्रॉ कलर का होता है ना, बैडी स्ट्रॉ कलर का, व्हाइट येलो या गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके ऊपर जो है ना 3 ब्लैक बैंड ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये 3 ब्लैक बैंड 4 बैंड दिखाई देते हैं ना, जिसमें 2 तो ये कम्प्लीटली ब्लैक होते हैं ना, और 1 जो होता है एक इधर से बिजली पे इनकम्प्लीट बैंड होता है ना। और इसका नेचर ऑफ डैमेज ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो नेचर ऑफ डैमेज ये होता है कि लाइफ होल्डर जो होता है वो क्या करता है, लीफ को फोल्ड कर देता है, अपने माउथ से सलाइवा निकालता है, इन साइड का लीफ रह जाते हैं, उसके जो आपका हरा पोर्शन होता है ना, हरा पोर्शन क्लोरोफिल कंटेंट खाता है, तो जिसके कारण से जब ये फीडिंग करता है तो यहाँ पे व्हाइट कलर का ना पूरा स्किन बन जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल को ये खा जाता है, तो व्हाइट व्हाइट जो दिखाई देता है तो वो लीफ होल्डर का ही अटैक होता है। फिर एक होता है राइस केसवर्म है, राइस केसवर्म भी राइस लीफ होल्डर के साथ ही आता है, सामान्यतः जब आप 45 से 50 दिन की ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसका अटैक होता है, लीफ होल्डर और केसवर्म दोनों का है ना। तो राइस केसवर्म बेंथिला डिफंक्टिविस, ये भी लेप्टोस्पिरा ऑर्डर का इफेक्ट है ना, और ये सामान्यतः राइस केसवर्म तब आता है जब आपका खेत में पानी की संख्या, पानी ज्यादा होता है और परमानेंट पानी रहा है, निकले नहीं, स्टेग्नेट रहे, तो उस समय में केसवर्म का अटैक ज्यादा होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अंबिकापुर तरफ जो है इसका अटैक बहुत ज्यादा मिलता है, हमारे
इस रीजन पे छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है वहाँ पे इसका थोड़ा अटैक कम मिलता है, लेकिन क्योंकि खेत में पानी भरा रहता है वहाँ पे इसके अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये एक प्रकार का ओकेशनल पेस्ट है, ये जैसे राइस सिस्टम पूरा एंडेमिक पेस्ट है वैसे ये ओकेशनल पेस्ट होता है। ठीक है, ये इसका अंडे है, अंडे जो है सर्कुलर होते हैं और फ्लैटेन होते हैं और 5.5 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं, पांच में वो डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो लार्वा होता है, ये जो आपको दिख रहा है लार्वा क्या होता है, पेल क्रीम कलर का होता है, 1.2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, हेड जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है ना, लार्वा टर्न ग्रीनी है ना, ठीक है, हरा हो जाता है और सेकंड स्टार के बाद है ना। इसका जो प्यूपा है, प्यूपा भी जो है वो 5.5 मिलीमीटर लॉन्ग और 1.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, 3 मिलीमीटर होता है ना, एंड टर्न सिल्वरी व्हाइट एज दी मैच्योर। इसका एडल्ट देखिए व्हाइट कलर का होगा पूरे का पूरा, और इसके भी बेस में है ना ब्राइट व्हाइट कलर का होगा है ना, और ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं इनके भी बीच में है ना, ये देखिए ऐसे दिख रहा है कि ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं, और लगभग लगभग 5 मिलीमीटर लंबा होता है और इसका विंग स्पान जो है वो 15 मिलीमीटर का होता है। और इसका जो मेजर ऑफ डैमेज है ये देखिए, फीडिंग जो है ना क्या करता है, ये पत्तियों को ऊपर से काट देता है, काट करके एक प्रकार का ऐसा कोंगा बनाता है, कोंगा इधर से गोल सा, गोल सा एक प्रकार का जो लीफ लिप्स होती है ना उसको गोल सा लीफ केस बोलते हैं ना, उसको बनाता है। और यह भी राइस लीफ होल्डर की जैसा उस जो लीफ केस है उसके अंदर घुस जाता है, इसलिए उसका नाम केस वर्म पड़ा है। और उस केस के अंदर रह करके ये भी जो लार्वा होते हैं इससे वो उसके क्लोरोफिल कंटेंट को खाने का काम करते हैं ना, जिसके कारण से ये देखिए ये व्हाइट लीफ का जो दिखाई दे रहा है ऐसे लीफ होल्डर में ही बनता है ना, और ऐसा ही सेम इस तरीके से व्हाइट लीफ स्पॉट जो है, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ काट गया है, लार्वा ने उसको खा लिया है, तो इसके कारण से जो है ये सफेद रंग का हमको खेत में दिखाई देता है, ये इसी का डैमेज है। ये देखिए ये पूरा खेत जो है ना, तो इसमें सबसे बड़ी खासियत होती है लाइफ लीफ होल्डर और केस वर्म के इसमें डिफरेंस, कि केस वर्म जो है यहाँ से काटेगा, काट करके केस बना करके यहीं से केस उसके लटक जाते हैं ना, ये जो गोल रंग का जो केस बनाएगा लीफ केस उसी के अंदर उसकी लार्वा होते हैं, जबकि होल्डर में पत्तियों को जो है आपका फोल्ड कर लेता है, फोल्ड करके उसके अंदर रहता है ना, उसमें पत्तियों को काट करके पत्तियों का जो केस बना करके इसके लटकता रहता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से लीफ होल्डर जो है ना, और इनका दोनों का अटैक का समान समय जो होता है समानांतर सेम होता है। नेक्स्ट इंसेक्ट है ब्राउन प्लांट हॉपर, नीला परोटा न्यूजेल, जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के तहत फैमिली है, डल फैस होती है ना, ये भी हमारा जो है एक प्रमुख कीड़ा है, जिसको बोला जाता है भूरा माहू, ब्राउन प्लांट हॉपर या भूरा माहू। इसके जो अंडे होते हैं जो फीमेल देते हैं ना, ये क्या करता है इसकी लीफ शीट में एक प्रकार का इंसिजन करता है, मतलब कीड़ा लगाता है, और कीड़ा लगा करके 200 से 300 छोटे अंडे में उस लीफ शीट के अंदर फेर दिए जाते हैं, उसका एग क्रिएट, अर्थात जो अंडे से जो मैगेट निकल निकल लार्वा निकलता है या लिंफ निकलता है वो 6 दिन में निकलता है, जबकि निम्फल पीरियड जो होता है 15 दिन का, और एडल्ट जो होते हैं वो 18 से 20 दिन तक सर्वाइव करते हैं। लिंफ जो होता है इसका ब्राउनिश लिंफ होते हैं, अरे जो 5 स्टार के बाद जो है 10 से 18 दिन के अंदर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट जो है वो आपका 4 से 4.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं या और लंबी दूरी तक जो है हवा की सहायता से सक्षम होते हैं। और इसके दो फॉर्म होते हैं, मेट्रोपेरस एंड रैपिड पेरस है ना, मेट्रोपेरस अर्थात लॉन्ग एंड रैपिड पेरस अर्थात शॉर्ट पेरस है ना, इसी के कारण से इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी उनमें होती है, इंसेक्ट्स को उड़ने में सक्षम होते हैं। ये इसका नेचर आप देने से ये देखिए, इसकी जब कभी अटैक होगा ना ये क्या करता है, जिसकी हैवी पेरा ऑर्डर का इफेक्ट है तो इनके माउथ पार्ट जो होते हैं वो पीएलसी में कसिंग टाइप के होते हैं, तो ये आपका पौधे से क्या करता है जूस को जो सेल सैप होता है ना, कोशिका जो रस होता है उसको चूस लेता है, चूसने के कारण से जो है ये बीपीएच है ना, ब्राउन प्लांट हॉपर और डब्ल्यू बीपीएच, ये देखिए वाइट बैक प्लांट हॉपर, दोनों प्लांट हॉपर कहलाते हैं, इन दोनों के लिम्फ और एड्रेस जो होते हैं वो डैमेज कॉज करते हैं, और दोनों के जो है कोशिका रस को पी लेते हैं, जिसके कारण से पौधा जो है वो सूख जाता है, पीला टाइप का दिखाई देता है ना, पौधे का जो है इसी डैमेज सिम्टम्स के कारण से एक और होता है, इनका अटैक गोल गोल होता है ना, फील्ड में आप देखेंगे तो गोल गोल होगा, इसीलिए इसको जो है गोल जो स्पॉट बनता है उसको बोला जाता है हॉपर बर्न है ना। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स के कारण से हॉपर बर्न बनता है ना। ठीक है,
बीटी को ये कहा जाता है कि हॉपर बर्न है, लेटर स्टेज के सामान्यता ये बनता है। और बीटीएच के साथ साथ क्या करता है, कुछ वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है, जिसका नाम है ग्रेसी स्टंट डिजीज जो है वो इस बीटीएच के जरिए ट्रांसमिट होती है। इसका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है वो 8 से 10 या एडल्ट पर हिल है, ठीक है, होंगे तब जो है हम इसको इसको कहेंगे कि ये इसका इसलिए आ गया। कि हमने देखिए आपको जो बताया था 0.9 मिलीमीटर लॉन्ग है और लीफ शीट को चीर करके अंदर मिलता है, 5 मिलीमीटर वाइड होता है, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है, बेस पे, लीफ शीट के मतलब नियर का बेस ऑफ द लीफ शीट है ना, लीफ शीट के नीचे भी होता है। नीम्स जो होते हैं वो आपका 0.91 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं और 0.37 मिलीमीटर वाइड होता है ना। हेड जो होता है ये देखिए ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए ये इसके एडल्ट दिखाई दे रहा है, एडल्ट जो है ब्राउनिश ब्लैक विद अ डिस्टिंक्ट वाइट बैंड ऑन इट्स मेसोनोटम यहाँ पे है ना, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो भूरे रंग की होती है, इसीलिए इसको ब्राउन प्लांट हॉपर बोला जाता है, बीपीएस बोला जाता है ना, ठीक है। और इसके विंग और नॉन विंग जैकेट प्रेजर और नेक्स्ट प्रेजर दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। इसकी मैनेजमेंट के लिए हम लोग को अवॉइड करना है क्लोज प्लांटिंग, है ना, ठीक है। और साथ ही साथ हमको इसके मैनेजमेंट के लिए जो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उसकी एक्सेस मात्रा में हम अप्लाई ना करें। और साथ ही साथ अल्टरनेट फ्लडिंग एंड ड्रेनिंग, मतलब खेत में पानी डालना है और बाहर निकालना है, खेत में पानी डालना है बाहर निकालना, इसको बोला जाता है कि इंटरमिटेंट ड्रेनिंग, यही है ना, एक बार पानी डालना है निकालना है। तो इस तरीके से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके जरिए नेचुरल एनिमीज होता है इसका स्पाइडर ना, ग्रीन ग्रीन बर्ड ना, इस तरीके से भी जो है हम लोग फिल्टर इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मीडिया क्लोफीड 75 ना, इसकी मात्रा दी हुई है मीडिया क्लोफीड 125 ml विक्रोफेजियन 325 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अप्लाई करके भी हम इस इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये